क्वेश्चंस होते हैं, जितनी भी तरह की क्वेरीज होती हैं, आज मेरी पूरी कोशिश है कि जैसे जापान में हम कौन से कोर्स में एडमिशन लें, किस तरह से मिनिमम कॉस्ट में अपना जापान में सर्वाइवल कर पाएँ, और उसके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होते हैं, और जापान हम क्यों जाएँ, जापान में कौन कौन से कोर्सेज में एडमिशन लें, इन सभी क्वेश्चंस को आज इस वीडियो में मैं आपके लिए कवर करना चाहता हूँ। वेलकम टू निहोंगोमैक्स, मेरा नाम है रवि। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन, ये सबसे पहले जो स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं जापान की क्वेरी करते समय, कि जापान जाने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है। देखिए, जापान जाना अलग बात है, जापान में जाके स्टडी करना, प्रॉपर अपना एक कोर्स करिकुलम, अपना एक करियर पाथ बनाना बिल्कुल डिफरेंट है। जैसे कि जापान आप स्टडी के लिए जाएं, जैसे जापानीज लैंग्वेज के लिए स्टडी के लिए जाते हैं, तो उसके लिए किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, कैसे आप जापान जा सकते हैं, और कैसे आप अपने स्टडी वीज़ा से बाद में वर्क वीज़ा में कन्वर्ट करवाना, या फिर स्टडी वीज़ा करके इंडिया वापस आना कैसे कर सकते हैं, उस बारे में आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जापान में जाने के लिए सबसे पहले स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछते हैं कि सर मुझे कोई जैसे MBA कोर्स या IT कोर्स करना है, या मुझे मास्टर्स डिग्री जापान से करनी है, तो इसके लिए आप क्या सजेस्ट करते हैं। तो देखिए, मैं सबसे पहले बताता हूँ, हम पहली बात जो जैसे प्रोसेसिंग या स्टूडेंट्स को वीज़ा वगैरह के लिए हम अप्लाई करने के लिए प्रोसेसिंग करते हैं, उसमें हम जापानीज़ लैंग्वेज की स्टडी के लिए, जापानीज़ लैंग्वेज को और एडवांस में स्टडी करने के लिए जापान के वीज़ा का प्रोसेस करवाते हैं। अगर आप किसी और कोर्स का करना चाहते हैं, जैसे कि MBA है या IT कोर्स है, तो दो ऑप्शन होती हैं, या तो आप उसको जापानीज़ लैंग्वेज में ही करें, या फिर आप उसको इंग्लिश लैंग्वेज में करें। अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज में करते हैं किसी ऐसे कोर्स को, जैसे IT कोर्स है या MBA कोर्स है, तो आपको कॉस्ट बहुत ज़्यादा पड़ती है। अगर आप इसको इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो लगभग आपको 7 लाख 8 लाख 9 लाख रुपीज़, इंडियन रुपीज़, एक साल के कॉस्ट पे करनी पड़ेगी, जो कि इंडिया के कंपैरिजन में काफ़ी महंगा है। तो इसलिए और अगर आप उसको जापानीज़ लैंग्वेज में करेंगे, जैसे MBA कोर्स है, IT कोर्स है, अगर आप उसको जापानीज़ लैंग्वेज में करेंगे, तो पहले आपको N2-N1 लेवल तक की जापानीज़ लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। तो इवेंचुअली आपको फाइनली जापानीज़ लैंग्वेज सीखने ही जापान जाना चाहिए, और अगर आप कोई और कोर्स करना चाहते हैं तो आपको इंडिया से ही करना चाहिए, ऐसा मैं रिकमेंड करता हूँ। बाकी आपकी खुद की चॉइस है, डिपेंड करता है आपकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ कितनी है और आपका फ्यूचर पाथ आपने किस तरह से कंस्ट्रक्ट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि मिनिमम क्वालिफिकेशन, हाँ ये वाला पॉइंट मैं आपको बताना भूल गया, मिनिमम क्वालिफिकेशन। जैसे अभी तो जापान की एम्बेसी ने काफ़ी सारी गाइडलाइंस चेंज करी हैं, 2018 की बात कर रहा हूँ मैं, तो N5 जो है वो मेन क्राइटेरिया हो गया है। कुछ स्कूल जो हैं वो N5 की बजाय 150 आवर्स का, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था, वो भी आपको एडमिशन प्रोसेसिंग ले लेते हैं, एडमिशन प्रोसेसिंग स्टार्ट कराते हैं, और CO यानी कि उसमें भी प्रोबेबिलिटी होती है, लेकिन आप अगर आपका N5 क्लियर है, JLPT का N5 क्लियर है, तो आपकी CO यानी कि पॉसिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। एम्बेसी की सबसे पहली, मैं कहूँगा अगर लेमैन लैंग्वेज में, कि सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट है वो N5 ही है जापानीज लैंग्वेज को एडवांस में पढ़ने की। सेकेंड क्वेश्चन जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एज लिमिट कितनी होनी चाहिए जापान में स्कूल्स में एडमिशन लेने के लिए। देखिए, एज लिमिट जो है ना वो किसी पर्टिकुलर क्राइटेरिया नहीं है इसका। अगर आप इस तरह से सोचें कि मेरी जितनी जापानीज़ लैंग्वेज है उसके हिसाब से मेरी एज कितनी है, तो आपके लिए बेटर रहेगा। जैसे कि अगर जापानीज़ लैंग्वेज में कहूँ, अगर आपने N4-N3 तक किया हुआ है, तो आपकी एज लिमिट अगर 30, 32, 33, 34 भी है, तो भी आप जापान स्टडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आपका CO यानी कि वीज़ा आने की काफ़ी प्रोबेबिलिटी होती है। लेकिन अगर आपका लैंग्वेज लेवल है N5 या फिर N5 भी नहीं है, मैंने थोड़ी सी जापानीज़ लैंग्वेज करी है, बिल्कुल भी नहीं करी है, और एज मेरी 30 से अबव है, तो वो काफ़ी मुश्किल केस होता है। उसके लिए हम लोग भी प्रोसेसिंग स्टार्ट कराने से पहले काफ़ी मतलब हम लोग स्टार्ट नहीं कराते, क्योंकि वो हमें पता होता है कि वीज़ा आना काफ़ी मुश्किल होता है। तो ये एज लिमिट का आंसर। अगर एज लिमिट जैसे 21 है, 20 है, 22 है, और अब आप कहते हैं कि मैंने जापानीज़ लैंग्वेज शुरू ही करी है कहीं से, थोड़ा बहुत ही पढ़ा है, तो फिर पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। तो एज कम, लैंग्वेज लेवल हाई, इस तरह से आप थोड़ा सा कैलकुलेट करके चल सकते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, सर जापान में मिनिमम कॉस्ट, कितनी कॉस्ट में हम जा सकते हैं जापान, ये भी काफ़ी स्टूडेंट्स पूछते हैं। तो कॉस्ट का जो है, मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया था कि कॉस्ट आपको जितनी होती है वो एक साल की ऑनलाइन एवरेज 5 से 6 लाख रुपए एक साल की पड़ती है। इससे ज़्यादा भी हो सकती है, इससे कम मुश्किल है, इससे कम नहीं होती। मिनिमम आप 5 या 5.25 लाख मान के चले, होती ही है टोटल कॉस्ट एक साल की। कुछ स्कूल ऐसे भी होते हैं जो पार्ट पेमेंट लेते हैं, लेकिन
वो आपको इवेंचुअली फीस थोड़ी सी ज़्यादा पड़ती है, लगभग 6 लाख के आसपास, 6.5 लाख के आसपास हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन योर प्लान या फिर आपकी टाइमिंग, किस टाइमिंग पर आप जा रहे हैं। कॉस्ट में पार्ट पेमेंट की बजाय मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ आप टोटल पेमेंट करें, और जो स्कूल्स हैं उनमें आप पहले जो प्लान्स होते थे वो अलग होते थे, जैसे कि अगर आपने 6 मंथ्स का लिया है हॉस्टल तो आप उसकी पेमेंट पहले करें उसके बाद स्कूल फीस की पेमेंट करें। अब स्कूल्स ने अपने प्लान्स चेंज करके एक यूनिफाइड प्लान निकाला है कि आप 1 साल की पेमेंट करें, उसमें आपको 3 मंथ्स का हॉस्टल फीस आपसे ऑलरेडी हम ले ही लेंगे, तो टोटल कंबाइंड आपको प्लान देते हैं, उसके बाद 4th मंथ से आपको हॉस्टल फीस पे करनी होगी। इस तरह से भी है, बाकी आप अगर इंटरनेट सर्च करेंगे इस चीज़ के बारे में, हमसे डायरेक्टली बेसिक क्वेश्चंस पूछने की बजाय आप इंटरनेट सर्च करके आएँ और फिर हमसे कॉन्वर्सेशन करेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा समझ आएगा। और ये बात थी बेसिकली एज लिमिट, कॉस्ट और क्वालिफिकेशन की। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब मुझे स्टूडेंट्स काफ़ी बेसिक क्वेश्चंस भी पूछते हैं, जैसे कि सर ओसाका बढ़िया है या टोक्यो बढ़िया है, या फुकुओका मैं जाना चाहता हूँ, चिबा जाना चाहता हूँ, योकोहामा जाना चाहता हूँ, तो डिफरेंस क्या है और कौन सा स्कूल अच्छा है, कौन सा स्कूल बेकार है, कहाँ ज़्यादा कौन सा स्कूल ज़्यादा चलता है वहाँ पे, कौन सा स्कूल कम चलता है, तो इसके बारे में मैं एक पहले आपको बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि इंडिया से बिल्कुल डिफरेंट जापान में स्कूल्स जो हैं वो एक उनका एक फीस का स्ट्रक्चर, एजुकेशन का स्ट्रक्चर, वहाँ पर इवन क्वालिटी ऑफ लिविंग जो होती है सब कुछ एकदम यूनिफाइड होता है, सब कुछ बराबर होता है, मतलब अच्छा स्कूल बुरा स्कूल वहाँ पर होते ही हैं, सब बराबर होता है। इवन आप कंपेयर करेंगे तो कॉस्ट भी ज़्यादा आपको अलग नहीं मिलेगी, लगभग लगभग बराबर ही कॉस्ट मिलेगी। दूसरी बात की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जापान का, पूरे जापान में नॉर्थ से लेकर साउथ तक सब कुछ एकदम यूनिफाइड है। आप चाहें तो नेट सर्च करिए, लोगों से पूछिए जो जापान में ऑलरेडी रह रहे हैं, उनसे पूछिए, क्या मैं सच कह रहा हूँ कि सभी, इवन आपको ये लगेगा कि पार्ट टाइम जॉब्स भी मैं कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पर ज़्यादा रेट मिलता है, तो देखिए रेट जो है वो आपके आपके एज सॉरी जगह से ना मिलके आपकी लेवल ऑफ लैंग्वेज और आपके टाइप ऑफ वर्क से आपका पार्ट टाइम जॉब का पैसा डिफाइंड होता है। जैसे कि कुछ पार्ट टाइम जॉब्स होते हैं जो 1 घंटे का, यूजुअली तो 900 या 1000 येन तक आपको पेमेंट करते हैं 1 घंटे का, लेकिन कुछ ऐसे पार्ट टाइम जॉब्स होते हैं जो कि जिसमें अगर आपका लैंग्वेज लेवल हाई है, जैसे कि आप अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं किसी कुक के साथ, किसी पेंटर के साथ, किसी बिजनेसमैन के साथ, तो आपको 1 घंटे का वो 1800 येन भी पे हो सकता है वहाँ पे, इस तरह की जॉब्स हैं, लेकिन वो लिमिटेड है, उसके बारे में एक्सेस ज़्यादा नहीं मिलती क्योंकि स्टूडेंट्स जो नए नए जाते हैं उनको भी उतनी जापनीज लैंग्वेज नहीं आती, इसके लिए आपको कम से कम 6 महीना 7-8 महीने 1 साल लगभग एक नेटिव की तरह बोलना जब आपको आ जाएगा तब आप इन जॉब्स के लिए ट्राई कर सकते हैं, तब तक आपका पैकेज खत्म हो जाता है 1 साल का। अगर आप 2 साल के लिए स्टडी करते हैं तो फिर आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं, 1 साल में भी आप पैसा अच्छा कमा सकते हैं। मैंने आपको कॉस्ट किस तरह से रिकवर करनी है, पूरी आपकी ट्यूशन फीस, हॉस्टल फीस, सब कुछ आपके रिकवर कैसे, मैंने आपको पिछले वीडियो में अच्छी तरह से समझाया है। और जहाँ तक बात है कि टोक्यो अच्छा है, ओसाका अच्छा है, देखिए अगर एक पहले कहावत भी है कि ओसाका जाना है तो स्टडी के लिए जाइए और टोक्यो जाना है तो जॉब के लिए जाइए, मतलब अगर आपको जॉब करनी है तो आप टोक्यो जाइए और अगर आपको स्टडी करने जाना है तो आप ओसाका जाइए, इस तरह से कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ओसाका में स्टडी करना इनफैक्ट अब तो काफ़ी कंफर्टेबल हो गया है, जैसे इंडिया से भी बहुत बहुत स्टूडेंट्स जाने लग गए हैं, पिछले 2 साल के अंदर ही नंबर जो है वो 3 टाइम्स हो गया है, और इंडियन रेस्टोरेंट्स भी हैं वहाँ पे, टोक्यो में भी है, मतलब जापान में हर जगह है, लेकिन ओसाका में आपको काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मिलेंगे जो कि ओसाका को लाइक करते हैं। टोक्यो में वो लोग मिलेंगे जो कि जैसे कि उनको टोक्यो ही जाना है और कोई जाना ही नहीं है, और उनका कोई जैसे रिलेटिव रहता है या उनको फाइनेंशियल बैकग्राउंड काफ़ी स्ट्रांग है उनका, उनके उनको पहले से ही जॉब की उतनी ज़रूरत नहीं है, वो सिर्फ टोक्यो देखना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, वो लोग जाते हैं, तो आप कहीं पर भी जा सकते हैं, लेकिन मेरी रिकमेंडेशन है कि आप ओसाका जाएं और उसके बाद आप जॉब करने के लिए टोक्यो जाएं जब आप परमानेंट जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। और भी इसमें बताने के लिए काफ़ी कुछ है, जैसे कि ओसाका जो है वो टोक्यो से बिल्कुल मिलता जुलता है, बिल्कुल आपको वही चीज़ें देखने को मिलेगी, ओसाका में भी वही चीज़ें मिलेंगी आपको टोक्यो में भी, और आपको ये भी देखने को मिलेगा कि मैं डिफरेंस ही नहीं पता लगा पा रहा ओसाका और टोक्यो में क्या है, मतलब मेरे पास कुछ ऐसे भी कॉल्स आए थे कि सर मैंने टोक्यो में एडमिशन लिया हुआ लेकिन ये बहुत महंगा है, मुझे ओसाका आना है, तो मैंने उनको समझाया मैं कुछ नहीं कर सकता पहली बात, और दूसरी बात कि वीज़ा आपको मिला है जो एम्बेसी से वो 1 साल का जापान का तो मिला है, लेकिन उसके अंदर जायरी शो वगैरह जो मिलता है जिसके अंदर पूरा आपका एड्रेस वगैरह लोकेशन नोट होती है, तो उसके लिए भी काफ़ी लंबी आपको फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ेंगी। दूसरी बात कि आप टोक्यो से अगर ओसाका शिफ्ट होते हैं तो आपको अपनी फ़ीस भी रिफंड नहीं मिलेगी, तो आप दोबारा फीस लगानी पड़ेगी, तो कॉस्ट उतनी पड़ जाएगी। प्लस होता है कि टोक्यो में उन्होंने मुझे बताया कि मुझे जैसे आरुबाई तो है हॉस्टल है, तो उसमें आने जाने में ही मतलब
मुझे काफ़ी जैसे ट्रैवल करना पड़ता है या फिर टोक्यो में महंगा बहुत है, तो ये थोड़ा सा टोक्यो का डेट्रीमेंट है। लेकिन बहुत ज़्यादा इसमें ये मत सोचिए कि टोक्यो बहुत बुरा है, ओसाका बहुत अच्छा है, बराबर ही है, लगभग बराबर ही है। आप पहले मेरी रिकमेंडेशन, अगर आप जापान नहीं गए हैं तो पहले ओसाका जाएं, उसके बाद आप टोक्यो को भी एक्सप्लोर करें। और इसके साथ साथ आप फोकस रखिए जापानीज लैंग्वेज पर। लैंग्वेज में भी मुझे बोलते हैं कि ओसाका की लैंग्वेज अलग होती है, टोक्यो की लैंग्वेज अलग होती है, मैं कहाँ जाऊँ? तो मैं उनको बताता हूँ कि जो आपने इंटरनेट पर इन्फॉर्मेशन देखी है ये उतनी सही नहीं है। अगर आप किसी जापानीज से पूछेंगे तो वो भी आपको ये बताएगा कि ओसाका की डिफरेंट है लैंग्वेज, लेकिन उतना डिफरेंस नहीं है जितना कि आप सोचते हैं कि मुझे तो बिल्कुल ही डिफरेंट लैंग्वेज कोई सीखने को मिल जाएगी। कुछ ही ऐसे एक्सप्रेशन हैं जो कि आप 10 या 15 एक्सप्रेशन वो आप सीख लेंगे तो वो लैंग्वेज और उस लैंग्वेज में जो टोक्यो की लैंग्वेज है, जो स्टैंडर्ड लैंग्वेज है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं रह जाता। एनीवेज, बहुत सारी बातें, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सस्ता कहाँ पड़ता है। ये मैंने आपको कॉस्ट के अंदर कवर किया कि ओसाका जो है वो थोड़ा सस्ता पड़ता है, टोक्यो आपको थोड़ा महंगा पड़ता है। टोक्यो आपको ओसाका से अगर आप कंपेयर करेंगे, अगर आपको स्कूल फीस थोड़ी सी बराबर भी लग रही है तो भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है बाकी सारे पैसे आपके काफ़ी सारे ले लेता है, तो ओसाका आपको थोड़ा सा सस्ता पड़ता है। इसके बाद मुझे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि साल में कितनी बार हम जापान में इनटेक होता है, जापान जा सकते हैं, जापान में स्कूल्स में एडमिशन ले सकते हैं और कितने साल के लिए ले सकते हैं। तो देखिए, इसमें एक तो गाइडलाइन है एम्बेसी की और एक गाइडलाइन होती है स्कूल्स की। पहले मैं आपको एम्बेसी की गाइडलाइन बताता हूँ कि अगर आप एक साल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप एक साल के बाद वहीं के वहीं अपना एक साल में एक्सटेंड करवा लें, ऐसा मुश्किल होता है, ऐसा नहीं हो पाता है। आपको अपने वीज़ा को, अपने वीज़ा के स्टेटस के ऊपर, आपको वीज़ा तो जैसे आप अगर आप एक साल के लिए जा रहे हैं तो आपको दो साल का वीज़ा मिलेगा, लेकिन उस वीज़ा में आपका स्टडी पैकेज एक साल का ही होगा। ये एम्बेसी की गाइडलाइन है। लेकिन कुछ स्कूल्स होते हैं जिसमें हेल्प करते हैं, आपको एक साल के बाद आपको दूसरे साल में शिफ्ट करना है तो वो आपको उसी स्टडी वीज़ा पर शिफ्ट करवाते हैं, या फिर आपका स्टडी वीज़ा एक्सटेंड करवा के आपको उसी स्कूल में मतलब या फिर दूसरे स्कूल में एडमिशन दिलवा के आपका सेकेंड ईयर भी वो कंप्लीट करवा देते हैं। एक चीज़ और कि अप्रैल इनटेक, पहले मैं आपको इनटेक के बारे में बताता हूँ। चार तरह की इनटेक होती है, अप्रैल, जुलाई, अगस्त, सॉरी अक्टूबर और जनवरी। अप्रैल और अक्टूबर की इनटेक सबसे ज़्यादा होती है, हर स्कूल लेता है, और जनवरी और जुलाई की इनटेक जो है वो कम स्कूल्स लेते हैं, मतलब बहुत कम स्कूल्स हैं जो चार इनटेक लेते हैं, ज़्यादातर स्कूल अप्रैल और अक्टूबर की लेते हैं। हमारे पास जो स्कूल्स होते हैं, जैसे हमारा जिन स्कूल से टाइप है उनमें जनवरी के कम हैं, जुलाई के भी हैं, अप्रैल अक्टूबर के तो हैं ही। तो इस तरह से, और उनके कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझने के लिए कि क्राइटेरिया जो है आपका, जैसे पहले इंटरव्यू लेते हैं तो उसमें सबसे पहले जानना चाहते हैं कि ये जो बच्चा है इसने एक साल का स्टडी का प्रोग्राम तो वो चाहता है लेकिन क्यों, और उसके बाद वो उस एक साल पढ़ने के बाद वो उसके बाद क्या करना चाहता है। अगर वो जापान में ही जॉब करना चाहता है तो क्या वो पूरी तरह से तैयार है, क्या सच में वो जॉब ले सकता है। अगर वो जापान में एक साल के बाद फर्दर स्टडी करना चाहता है तो क्या वो उसके लिए तैयार है, वो फर्दर स्टडी कर सकता है, उसकी पास बाकी इतनी क्वालिफिकेशन है। या फिर अगर वो इंडिया आके काम करना चाहता है तो ज़्यादा फिर उसके ऊपर क्वेश्चनिंग नहीं होती है। तो इंडिया वापस आके अगर आप अपना काम मतलब कंटिन्यू करेंगे या अपनी स्टडी कंटिन्यू करेंगे तो ये काफ़ी इजी आंसर रहता है, एम्बेसी में अप्लाई करते समय भी और स्कूल्स से इंटरव्यू लेते समय भी, स्कूल्स को इंटरव्यू देते समय भी। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि मुझे जापान में उसके बाद फर्दर स्टडी करनी है किसी और कोर्स में या फिर मुझे जॉब के लिए अप्लाई करना है, तो फिर ये थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। तो आपके पास एक कॉन्क्रीट प्लान होना चाहिए जो कि आपको पूरा एस्से बना के एम्बेसी में भी सबमिट करना पड़ता है कि मुझे एक साल के बाद एग्जैक्टली ये स्टडी या एग्जैक्टली इस तरह की जॉब करनी है और उसके लिए मेरे पास ये 5-6 तरह की ऑलरेडी तैयारी हो रखी है, तभी आपको वो वीज़ा, तभी काफ़ी मुश्किल होता है तब भी वो इसमें से, क्योंकि उनका जो क्राइटेरिया होता है उनकी, पहली बात कि उनकी थिंकिंग और वो चीज़ को आप मैच करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है एक स्टूडेंट के लिए, और उस क्राइटेरिया को मैच करना, उनके क्वेश्चंस का आंसर कर पाना। इसलिए मैं हमेशा स्टूडेंट्स को रिकमेंड करता हूँ कि अगर आपको सक्सेसफुली वीज़ा निकलवाना है तो सबसे पहले आपको ये कहना चाहिए कि मैं एक साल के बाद इंडिया वापस आऊँगा, उसके बाद अगर आप जापान जाके पहले स्टडी करेंगे 6 महीना 8 महीना, उसके बाद आप उनसे पूछ सकते हैं क्वेश्चंस कि अगर मुझे अपना वीज़ा एक्सटेंड करवाना है, मुझे अगर अपने वीज़ा का स्टेटस चेंज करवाना है तो मुझे क्या करना चाहिए। तो आपको धीरे धीरे जाना चाहिए, अचानक ही एकदम से अपना पूरा प्लान बना के फिर उसको एकदम से पूरा चेंज करना ये रिकमेंड नहीं किया जाता, ना ही स्कूल्स के द्वारा ना ही एम्बेसी के द्वारा। चलिए, तो अगला क्वेश्चन है सर, पार्ट टाइम जॉब्स जो हैं वो किस तरह से मिलती हैं, विदाउट जापानीज हम पार्ट टाइम जॉब्स ले सकते हैं, कितना पैसा हम कमा सकते हैं। तो ये जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि
बहुत ज़्यादा अगर आप इसके ऊपर फोकस करते हैं पैसा कैसे कमा सकता हूँ पैसा कैसे कमा सकता हूँ, तो देखिए तरीके बहुत हैं वहाँ पर, तो लेकिन उसके चक्कर में अपनी स्टडी छोड़ के अगर पैसे के पीछे भाग जाते हैं, अपना स्कूल जाना छोड़ देते हैं, क्लासेस छोड़ देते हैं, तो फिर आपका करियर बनना भी मुश्किल होता है, प्लस आपका वीज़ा जो है वापस एक बार आए तो दोबारा वीज़ा लगना भी काफ़ी मुश्किल हो जाता है। ये बहुत ही, ये ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होता, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। पार्ट टाइम जॉब्स जो हैं वो आपको किस तरह की मिलती हैं, जैसे कि ये तो नॉर्मल इन्फॉर्मेशन है, आपको पता ही होगा कि जैसे रेस्टोरेंट्स हैं, कॉम्बिनी है, फैक्ट्रीज हैं, डेटा एंट्री का वर्क होता है, प्रोक्योरमेंट का काम होता है, इसमें आपको इन्वेंट्री स्टॉक्स वगैरह डेटा मेंटेन करना होता है, वहाँ पर जाके आपको रेस्टोरेंट्स हैं तो वहाँ पर जाके आपको क्लीनिंग का भी काम करना पड़ सकता है, वेटर का भी काम करना पड़ सकता है। लेकिन ये मत सोचिए कि बहुत ही ज़्यादा कुछ मुझे गंदा काम करना पड़ेगा, जापान जैसे कि आपको पता ही है कि काफ़ी एक सिस्टमैटिक और क्लीन कंट्री है, तो आपको जो वो जो काम है वो सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन और दूसरी बात कि ऐसा काम भी करना पड़ सकता है ये कहा जाता है। अगर आपके पास चॉइस है, दूसरा काम आपको मिल रहा है तो आप दूसरा काम भी चूज़ कर सकते हैं। सारे काम जो है वो वहाँ पर आपको लैंग्वेज ही सिखाएंगे, कल्चर ही सिखाएंगे, और आपके जो बिजनेस मैनरिज्म है उसको बहुत इन्हेंस करेंगे, इसलिए जॉब जो है वहाँ पर रिकमेंड की जाती है। और विदाउट जैपनीज में जॉब कर सकता हूँ नहीं कर सकते हैं, बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, क्योंकि विदाउट जैपनीज कब अप्लाई करते समय, वीज़ा आने के बाद या जापान जाने के बाद, ये सारी बातें होती हैं। अगर आप जैसे अप्लाई कर रहे हैं और अगर आपके पास 6 महीने का टाइम है, तो 6 महीने में तो बहुत अच्छी आप जापनीज सीख सकते हैं अगर आप दिन रात उसके ऊपर काम कर सकते हैं करते हैं। 6 महीने में बिल्कुल ही बेकार जापनीज, मतलब बिल्कुल ही जीरो के आसपास जापनीज भी आप सीख सकते हैं अगर आप उसके लिए काम नहीं करते तो। इंपॉर्टेंट 6 महीने नहीं है, इंपॉर्टेंट आप उसके लिए काम करते हैं नहीं करते हैं। जापनीज लैंग्वेज बिना के तो जॉब नहीं मिल सकती, ये तो कन्फर्म है। अगर आप किसी और फील्ड से नहीं है, जैसे अगर आप पूरा मतलब आप जा ही अगर इंजीनियर के तौर पे या किसी एक्सपायरेट के तौर पे जा रहे हैं जॉब के थ्रू तो बात अलग है, लेकिन अगर आप जापनीज लैंग्वेज में बिना पहले मैं जापनीज लैंग्वेज के जॉब करना सीख लूँ, जॉब कर लूँ और उससे जापनीज सीख लूँ फिर मैं इंडिया के, तो ये मुश्किल है, ये पॉसिबल नहीं है। आपको पहले जापनीज सीखनी पड़ेगी, जैसे कि मैंने बताया मिनिमम आपको N5 होना चाहिए, लेकिन जॉब के लिए जो है वो N5 से भी काम नहीं चलता है। आपको वहाँ जाके जैसे 1 महीना 1.5 महीना हो सकता है जॉब ना मिले, और उसके लिए आपको जापनीज भी सीखनी पड़े, उस जापनीज सीखने के बाद 1-1.5 महीने बाद जब आपको थोड़ा बोलना आ जाएगा तब आपको जॉब मिल सकती है, ये बात आप ध्यान रख लिए। इसलिए स्कूल्स ने भी अब ऐसे पैकेजेस, हमने भी काफ़ी डिस्कस किया है, हमने भी इस चीज़ को काफ़ी फॉर्मुलेट करा है स्कूल्स के साथ मिलकर, कि आप लोग पहले ही अगर 3 महीने का बच्चे के ऊपर बर्डन ना पड़े, उसकी स्कूल फीस के अंदर ही, हॉस्टल फीस के अंदर ही, पहले ही आप इंडिया से ही जो फीस ले रहे हैं उसके अंदर वो इंक्लूडेड हो जाए, जॉब नहीं भी मिल रही अगर उसको 1 महीने के लिए तो भी वो घबराए ना, अपना काम चला ले। इस तरह से हमने अपने प्लान्स को फॉर्मुलेट किया हुआ है। तो विदाउट जापनीज तो मुश्किल है, थोड़ी बहुत जापनीज आप जो कि 6 महीने में आप यहाँ पे सीख सकते हैं, या फिर 1-2 महीने में जापान जाके सीख सकते हैं, उसके बाद आपको पार्ट टाइम जॉब्स मिल जाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 साल में कौन सा लेवल मैं कर सकता हूँ या किस लेवल, देखिए ये बहुत ही ना वेग क्वेश्चन है, लेकिन इसका मैं कोशिश करता हूँ आंसर देने की। जैसे अगर आपकी लैंग्वेज है 0, मतलब N5 भी नहीं है, या फिर कह लेते हैं N5 है, उसके बाद आप जापनीज शुरू करते हैं, तो ये पर्सन टू पर्सन पे डिपेंड करता है। जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आप 6 महीने में बहुत अच्छी जापनीज बोलना शुरू कर देते हैं, तो स्टूडेंट्स ने मुझे कहा था कि नहीं सर ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे तो पॉसिबल ही नहीं है, ये तो हम मान ही नहीं सकते। तो भाई पहले आप जापान जाके देखो, उसके बाद वापस आके मुझे बताओ कि ऐसा हुआ है नहीं हुआ है। एनीवेज लैंग्वेज लेवल जो है वो JLPT पहली बात अलग बात होती है, लैंग्वेज बोलना काइवा कर पाना अलग बात होती है। ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने N5 के बाद 1 साल में ही N2 तक पहुंचे हैं, ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो कि N4 N5 यहां से निकालने के बाद N3 ही करा उन्होंने 1 साल में। डिपेंड करता है स्टूडेंट किस तरह से जापनीज लैंग्वेज, वो उसको लगाव है नहीं है, सीखना चाहता है नहीं चाहता है, वो हर चीज़ को एक हेट की नज़र से देखता है नहीं देखता है, हर चीज़ में बुराइयाँ निकालता है, या फिर उस चीज़ को एक्सपीरियंस करके देखता है, या फिर उस चीज़ से कुछ लर्न करने की कोशिश करता है, या ये सोचते हैं कि मैं जितना टाइम हूँ, चाहे वो 1 साल है 1.5 साल है, मैं पूरा पूरा जापान से लैंग्वेज या दूसरी नॉलेज लेके जाऊं और फिर उससे अपना करियर बनाऊं। तो डिपेंड करता है स्टूडेंट के ऊपर, लेकिन ऑन एन एवरेज अगर मैं कहूं तो, क्योंकि इंडिया में काफ़ी वेराइड, बहुत ही ज़्यादा वेरिएशन है इस चीज़ में, एक यूनिफाइड वो नहीं है, बहुत ही अलग सोचने वाले स्टूडेंट्स और बहुत ही अलग सोचने वाले स्टूडेंट्स होते हैं, तो इसलिए एवरेज अगर मैं कहूं कि N5 से आप कह सकते हैं कि 6-6 महीने में आप एक लेवल ईजिली क्लियर कर सकते हैं, N4 है तो N3 कर सकते हैं, N3 से N2 में जा सकते हैं, 1 साल में आप 2 लेवल आप आराम से क्लियर कर सकते हैं ऑन एन एवरेज। हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सर वहाँ पर सर्वाइवल कैसे करेंगे, वहाँ पर तो यूजुअली नॉन वेज फूड ही खाया जाता है। जी हाँ ये बात सही है, सर्वाइवल करना आपके लिए काफ़ी मुश्किल होगा अगर आप नॉन वेज फूड नहीं खाते हैं तो, अगर आप वेजिटेरियन हैं तो। हालांकि अब ऐसे भी
स्कूल्स हैं, जैसे हम लोग भी मतलब वेजिटेरियन कैंटीन्स वाले स्कूल्स भी हम रिकमेंड करते हैं, लेकिन स्टिल आपको कभी बाहर जाना पड़े, घूमना पड़े, किसी के साथ पार्टी वगैरह में जाना हो, तो वहाँ पर नॉनवेज फूड ही मेनली आपको मिलेगा। ये बात सही है, इसमें कोई मतलब ये कोई गलत बात नहीं है। वेजिटेरियन फूड काफ़ी कम है, या फिर काफ़ी मुश्किल से मिलेगा आपको, या फिर खुद बनाना पड़ेगा। खुद बनाना तो खैर आसान है, आप बना सकते हैं, लेकिन टाइम उसमें भी लगेगा। अगर आप सोचें कि नहीं मैं अपने आप बना लूँगा, तो टाइम उसमें भी लगेगा। इंडियन फूड बनाने से बिल्कुल ही डिफरेंट होता है। इंडियन फूड में जैसे बहुत ज़्यादा आर्ट, मेहनत और टाइम की ज़रूरत होती है, जापान में ऐसा नहीं होता। जापान में आपको बना बनाया फूड भी मिलता है, सब्ज़ियाँ जो हैं बिल्कुल ऐसे जैसे पैकेट है, तो उसको बस खोला, एकदम फ्रेश है, उसको धोया, काटा, थोड़ा सा बॉयल किया और बन गया। जापानीज़ फूड बने बनाए फूड भी आते हैं, जिनको आप जो वेजिटेरियन होते हैं, जिनको आप बनाओ मतलब सॉरी गर्म करो और उसी जो आपका सैलेड है उसके अंदर डाल लो, या फिर उसके साथ खा लो। और भी बहुत सारी चीज़ें आप नेट पर सर्च कीजिए, वेजिटेरियन लोग भी सर्वाइव करते हैं वहाँ पे, लेकिन मुश्किल होता है, नो डाउट। यस, एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि सर अब मुझे प्लीज़ प्रोसेस समझाइए कि बैंक स्टेटमेंट, डॉक्यूमेंट्स, अपने स्कूल में किस तरह से मैं अपना पर्पस ऑफ स्टडी एक्सप्रेस करूँगा, मैं उस ऐसे को याद कैसे करूँगा। देखिए ये तो बहुत बड़ा इसमें एक्सप्लेनेशन बन जाएगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो फटाफट से मैं सिर्फ एक मिनट में आपको बता देता हूँ कि बैंक स्टेटमेंट आपके स्पॉन्सर की, आपके स्पॉन्सर फॉर एग्जांपल आपके पापा, आपके फादर अगर आपके स्पॉन्सर बन रहे हैं, तो उनकी बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है, उनका ITR चाहिए होता है, उनके ID प्रूफ और उनका इनकम का प्रूफ चाहिए होता है। और बैंक स्टेटमेंट में अमाउंट कितना शो करना होता है, देखिए अभी 2018 चल रहा है, मैं आपको अभी जब तक गाइडलाइन चेंज नहीं होती, क्योंकि काफ़ी बार चेंज हो जाता है, तो ऑन एन एवरेज मैं आपको बताता हूँ कि एक साल का है तो उसका मिनिमम आपको 8-10 lakh शो करना पड़ता है अमाउंट, और अगर 1.5 years है तो आपको लगभग 12 lakh शो करना पड़ेगा, अगर आपका 2 years का है तो आपको अराउंड 15-16 lakh शो करना पड़ेगा बैंक अकाउंट के अंदर, जो भी आपके स्पॉन्सर हैं। आप खुद भी स्पॉन्सर बन सकते हैं, अपने बैंक अकाउंट को भी शो कर सकते हैं, अपने पापा के, अपने मम्मी के, ब्लड रिलेटिव होना चाहिए, दूसरे रिलेटिव भी हो सकते हैं, लेकिन उसके अंदर जो डॉक्यूमेंटेशन वो इतनी बढ़ जाती है कि अगर आप उसको प्रूव कर नहीं पाए, जैसे मामा हैं तो वो मम्मी के भाई हैं, ये भी प्रूव करने के लिए डॉक्यूमेंट्स आपको शो करने पड़ सकते हैं, तो इसमें काफ़ी लंबा लेंथी प्रोसेस हो जाता है। तो इसलिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि ब्लड रिलेशनशिप हो, उनको ही आप स्पॉन्सर बनाएं, उनको ही आप स्पॉन्सर शो करें, तो आपका काम इजीली हो जाता है, आपका COE इजीली आ जाता है। देन बाकी सारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे कि आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स चेक होते हैं, 10th class से लेकर अभी तक आपने क्या करा है वो डॉक्यूमेंट्स, इसके साथ अगर आपके वर्क डॉक्यूमेंट्स हैं तो वो डॉक्यूमेंट्स, और आपका ID प्रूफ, और साथ के साथ आपका पर्पज़ ऑफ स्टडी, और ऑब्वियसली आपके जैपनीज़ लैंग्वेज के प्रूफ, जैसे कि अगर आपने किसी इंस्टीट्यूट से पढ़ाई करी है, या फिर आपका जैपनीज़ लैंग्वेज में JLPT का N5 क्लियर है या N4 क्लियर है, ये सब डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल में चाहिए होते हैं। और भी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है, मेरी पूरी कोशिश है आगे आने वाली वीडियोज़ में मैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस भी पूछिए, जैसे TITP प्रोग्राम के बारे में भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, जापान के स्कूल्स के एडमिशन के बारे में आपको मेरी पूरी कोशिश है पूरी इन्फॉर्मेशन देने की। अगर मेरी तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन रह गई है, कोई क्वेश्चन रह गया है, तो आप मुझसे पूछिए, मैं पूरी कोशिश करूँगा अगले वीडियो में बनाने के लिए। इस वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर ऑल फॉर योर पेशेंस। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, हमारी वेबसाइट जो है इसका नाम है learnjapanesedelhi.com, इस पर भी आप जाइए और जो भी क्वेश्चन, जो भी क्वेरी आपकी है उसमें आप डाल सकते हैं, उससे हमें पूछ सकते हैं, और उसमें भी हमने काफ़ी इन्फॉर्मेशन डाली हुई है। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो।